Hello, good morning class. Today we are going to continue our chapter, that is electron. Today's our topic is challenge. Today's our topic is challenges to free and fair election. Okay, beta. As we already discussed about the election and election commission, types of the parties, we already discussed all these topics. And today we will discuss about the challenges of the free and fair election. Okay, beta. Your first one is that is. The first person who is very important in the election, that is candidate. Firstly, we will discuss about the candidate. You already know about the candidate because we already discussed. Okay. Now we will study about the challenges to free and fair election related to the candidate. As we know that many person having the criminal report, candidate having. First of all, first challenge in the election, that is a candidate having criminal record. Some candidates with criminal record are able to secure party tickets from major parties. And in the election, in the politics, you know that many persons, as you see in your society, many persons having their criminal record, but they are having money. With their money and famous face, they able to get the ticket from the major party. अब वो क्या होता है बेटा, कोई ऐसा candidate होता है, as we already discussed the behavior of the election in India. इलेक्शन, इंडिया का इलेक्शन बिहेवियर हमें पता चल गया ना कि हम जब वोट डालने जाते हैं तो क्या क्या देखते हैं. फर्स्ट वन इज कास्ट, सेकेंड वन इज पर्सनैलिटी, थर्ड वन इज रिलीजन, फोर्थ वन इज एजुकेशन एंड फिफ्थ वन इज रेस्टिंग लाइक द पर्सनैलिटी ऑफ ए लीडर ऑफ ए कैंडिडेट एंड एजुकेशन सिस्टम या बैकग्राउंड. ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर द बिहेवियर ऑफ द इलेक्शन की जब हम इलेक्शन डालने जाते हैं कौन कौन से जो पॉइंट्स है वो हम देखते हैं. ठीक है, तो फर्स्ट यहाँ पे हम चैलेंजेस में क्या रीड आउट करेंगे, दैट ए पर्सन हैविंग ए क्रिमिनल रिकॉर्ड बट दैट पर्सन इज वेरी फेमस, दैट्स वाई द पार्टी द बिग पार्टी गिव द टिकेट टू दैट कैंडिडेट. अब वो क्या है बेटा, अब वो कोई पार्टी है, बिग पार्टी है, उसको पता है दैट पर्सन इज वेरी फेमस, दैट्स वाई द बिग पार्टी गेव द टिकट टू हर और हिम. तो फर्स्ट चैलेंज क्या पता चल गया बेटा कि अगर वो कैंडिडेट फेमस है, उसको इलेक्शन में खड़ा होने का चांस मिल गया, अगर वो विन हो जाता है द रिजल्ट ऑफ द इलेक्शन, दैट द पर्सन गेट द मेजोरिटी इन द इलेक्शन, इट मीन्स दैट पर्सन कम इन द गवर्नमेंट. एंड हाउ यू कैन इमेजिन, यू कैन इमेजिन बेटा दैट ए क्रिमिनल बट विल बी डू गोट इट. दैट फर्स्ट चैलेंज इन द इलेक्शन, दैट इज कैंडिडेट हैविंग देयर क्रिमिनल रिकॉर्ड. क्लियर टू एवरीवन बेटा. नेक्स्ट चैलेंज, कैंडिडेट सेकेंड चैलेंज दैट इज कैंडिडेट एंड पार्टीज विद ए लॉट ऑफ मनी मे नॉट बी श्योर ऑफ देयर विक्ट्री. Candidate and parties with lot of money of their party of their as all of us we know that a candidate expend many lot of money on their election. And after expending a lot of money, if that candidate don't get the victory, that
वो बेटा क्या करता है, कैंडिडेट एक्सपेंड करता है, एक्स्ट्रा एक्सपेंड करता है अपने क्या करने के लिए, विन होने के लिए, लेकिन फिर भी वो क्या नहीं कर पाता, नहीं जीत पाता। तो उसका वो फायदा क्या हुआ, व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ दैट कि वो इतना एक्स्ट्रा मनी एक्सपेंड कर रहे हैं? नो ना बेटा, ठीक है। क्लियर टू एवरीवन अबाउट दैट सेकेंड दैट कैंडिडेट एंड पार्टी विद लोट ऑफ मनी, नॉट श्योर ऑफ मनी, नॉट श्योर ऑफ देयर फ्यूचर। अब इतना सारा पैसा वो वेस्ट करते हैं, इट मीन्स इट इज द वेस्टेज ऑफ द मनी ऑन द इलेक्शन, बट दे डू इंजॉय ए बिग एंड अनफेयर एडवांटेज ओवर स्मॉल पार्टीज एंड इंडिपेंडेंस कैंडिडेट्स। ओके बेटा, इन सेकेंड चैलेंज यू कैन एड दैट आफ्टर एक्सपेंडिंग ए लोट ऑफ मनी दैट कैंडिडेट प्रेशराइज that candidate pressurize the poor candidate or the independent candidate। क्योंकि क्या है बेटा, क्योंकि उसने मनी एक्सपेंड की है, that after expending the money that person became a famous personality in the society, लेकिन उसको मेजोरिटी नहीं मिली, ठीक है। लेकिन फिर भी वो क्या करता है, आफ्टर बिकमिंग फेमस पर्सनैलिटी दैट कैंडिडेट प्रेशराइज द अनदर इंडिपेंडेंट कैंडिडेट और द पुअर कैंडिडेट। Clear to everyone, it is the second challenge of our election. And third challenge, some families tend to dominate political parties. Tricks are distributed to relatives from these families. अब क्या है, some families, या you can say dominance of a family. Dominance of a family. Dominance of a family. In a election, a particular party is very famous. You can take the example of here in India, a Congress party. First of all, Motilal Nehru, after that Nehru, Jawaharlal Nehru, after that Indira Gandhi, Rajiv Gandhi, Sonia Gandhi and now Rahul Gandhi, you can see. So, ye kya hai? At present, you can see Rahul Gandhi is not an experienced person and not having much knowledge, but in Congress, he is having a big post, you can say famous post, है ना बेटा। तो इससे क्या हो रहा है कि हम किसी अनदर पर्सन को चांस नहीं देते। इफ ऑन द प्लेस ऑफ द राहुल गांधी अनदर एक्सपीरियंस पर्सन विल कम, देयर विल बी चांस दैट कांग्रेस विल विन, है ना। तो क्या होता है, एक फैमिली का जो डोमिनेंस होता है उसके अकॉर्डिंग ही हम क्या करते हैं, टिकट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। इफ वी वॉन्ट टू गिव द, या यू कैन से द कंक्लूजन ऑफ दिस पॉइंट, वी नॉट गिव द चांस टू अनदर पर्सन, टू अनदर न्यू पर्सन, ठीक है। एक जो फैमिली डोमिनेटेड फैमिली होती है उस केवल उसी के मतलब मेंबर को हम क्या करते हैं, न्यू जो टिकट है वो दे दू, ठीक है। इलेक्शन ऑफर ओनली लिटल चॉइस टू ऑर्डिनरी सिटीजन एट बोथ द मेजर पार्टीज आर क्वाइट सिमिलर टू ईच अदर इन पॉलिसीज एंड प्रैक्टिसेस। नेक्स्ट वन इज ऑर्डिनरी पर्सन चैलेंज। बेटा वी आर डिस्कसिंग अबाउट द चैलेंजेस नाउ, क्लियर द थ्री चैलेंज इन द फ्री एंड फेयर इलेक्शन। नेक्स्ट वन इज मनी प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन द अनफेयर इलेक्शन। अनफेयर इलेक्शन मनी इज द मनी प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल बिकॉज मेनी पॉलिटिशियंस यूज देयर मनी एंड वोंट ये डू द सेल एंड परचेज ऑफ द वोटिंग। ओके, हियर आई वॉन्ट टू टेल यू एक्स्ट्रा थिंग दैट हाउ द पीपल कैन सेल देयर वोट। इफ ए पुअर पीपल इज देयर, like you can take the example of a labor, if one person is a labor, ठीक है, एक person labor है, for that labor, उस labor के लिए two times food is very important ना, compare than the ticket, that who will get the majority and who will come in the government, it is the second matter for that person, for that type of person two time food is more important compared than the politics, that's why that person is ready to sell their vote
वो अपनी वोट को सेल करने के लिए रेडी हो जाता है एंड द मनी वेल्थियर पॉलिटिशियन परचेज देयर वोट. और जो पैसे वाले जो आपके पॉलिटिशियंस होते हैं, लीडर होते हैं, वो उसको क्या कर देते हैं, परचेज कर लेते हैं. क्लियर टू एवरीवन? द नेक्स्ट चैलेंज इन द फ्री एंड फेयर इलेक्शन दैट इज मनी. क्लियर टू एवरीवन? मनी भी एक रोल प्ले करती है किस चीज में बेटा, आपके इलेक्शन को अनफेयर होने में. क्लियर बेटा? इलेक्शन ऑफर्स ओनली लिटिल चॉइस टू ऑर्डिनरी सिटीजंस एज. नेक्स्ट वन इज यू कैन बाय बेटा. यू कैन सी इफ ए पर्सन इज ऑर्डिनरी, नोबडी नोज हिम और हर, देन हाउ द पॉलिटिकल पार्टीज गिव टिकट टू दैट पर्सन, है ना. अब ये क्या है कि यहाँ पे ऑर्डिनरी पर्सन, इफ ए पर्सन इज वेरी गुड इन द पॉलिटिक्स एंड ही इज हैविंग देयर पर्पस फॉर द वेलफेयर ऑफ द पब्लिक बट he or she is not having the money, that how that ordinary person come enter in the election, है ना बेटा. तो next हमारा क्या है, हमारे challenge क्या है कि एक जो ordinary person होता है, that a ordinary person can't enter in the politics because as we know that in front of him or her many politicians, wealthier politicians are there, है ना. and that person knows that if he will be in the election that obviously defeated, है ना बेटा. वो उसको पता है अगर ये क्या होगा, अगर मैं इलेक्शन में खड़ा भी होता हूँ तो मैं हार जाऊंगा. क्यों हार जाऊंगा? फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो पार्टीज है, मेजर पार्टीज है, बिग पार्टीज है, उसको टिकट ही नहीं देंगे. सेकंड चांस कि अगर वो उसमें इलेक्शन में खड़ा भी हो जाता है तो उसकी जो चांसेस क्या होंगे बेटा, कम होंगे किसमें, उसकी विनर विक्टरी. Smaller parties and independent candidates suffer a huge disadvantage compared to bigger parties in terms of money, power and organizational support. The next, that is, till and clear to everyone? Your sixth point is, independent. candidate and the smaller parties candidate. Face many types of problem like related to money and the organization's money and organization. As we know that the famous party and the big party having a background, that's why that party became a big party. अब बेटा क्या है कि एक जो बिग पार्टी होती है उसके पास जो बैकग्राउंड सपोर्ट होता है वेल्थ का भी और जो फॉलोअर्स होते हैं उनका भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है. अब जब उनके पास फॉलोवर्स ज्यादा है तभी तो वो एक बिग पार्टी बनी है. दैट्स वाई यहाँ पे क्या है, ये भी एक बड़ा चैलेंज है किसके लिए, फेयर फ्री एंड फेयर इलेक्शन के लिए. इंडिपेंडेंट कैंडिडेट एंड द स्मॉलर पार्टी कैंडिडेट सफर ए ह्यूज डिसएडवांटेज कंपेयर टू बिगर पार्टीज इन टर्म्स ऑफ मनी, पावर एंड ऑर्गेनाइजेशनल सपोर्ट. क्योंकि बेटा उसको क्या है, उसको ना तो स्पोर्ट्स है फॉलोवर का और ना ही उसके पास मनी है दैट हाउ दैट कैंडिडेट इम्प्रेस द पीपल. क्योंकि एट प्रेजेंट की सिचुएशन क्या है कि पैसा बहुत जरूरी होता है, ठीक है. क्योंकि इफ ए पर्सन इफ ए पार्टी हैविंग द मनी, विद द हेल्प ऑफ द मनी दैट पर्सन एंड दैट पार्टी कैन डू द वेलफेयर वर्क फॉर द पब्लिक. And if a person, if a party will do the welfare work for the public, then after doing these works, the society will follow them, will become the follower of that party or that candidate.
है ना बेटा, तभी तो वो एक फेमस कैंडिडेट और एक फेमस पर्सन बनेगा, ताकि इन फ्यूचर इलेक्शन उसको क्या मिले, वोट मिल सके। क्लियर टू एवरीवन कि ये क्या है, आपके चैलेंजेस है फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराने के। ठीक है, इफ एनी प्रॉब्लम टू यू इन दिस टॉपिक देन यू कैन आस्क टू मी हेयर। इन द लास्ट आई वॉन्ट टू टेल यू अबाउट द थ्री इम्पोर्टेंट टर्म्स इन द पार्टीज, थ्री इम्पोर्टेंट टर्म्स। फर्स्ट वन इज इन द पोलिटिकल पार्टी लीडर, थ्री पर्सन प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल। फर्स्ट वन इज द लीडर, सेकेंड वन इज द एक्टिव कैंडिडेट एंड थर्ड वन इज द फॉलोअर्स। ऑल द थ्री पर्सन शुड बी देयर इन ए पार्टी। ओके बेटा, इफ एनी टाइप ऑफ प्रॉब्लम टिल नाउ देन यू कैन आस्क टू मी।